हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम नीलेश रंजन है और आज हम जर्नल के बारे में पढ़ेंगे। तो जर्नल पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक हम अकाउंटिंग के बेसिक्स के दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो पहले उन दोनों वीडियोज को देख लें ताकि ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। 11th और 12th दोनों के वीडियोस हम लगातार अपलोड कर रहे हैं। अगर आप लॉकडाउन में घर पे फंसे हुए हैं और क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप इन वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको क्लासेस समझने में या क्वेश्चंस बनाने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे YouTube के कमेंट में, Facebook मैसेंजर के द्वारा या व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9999399787। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9999399787, ठीक है। अगर आप आगे वीडियो के अपडेट पाते रहना चाहते हैं तो पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो शुरू करते हैं जर्नल। तो सबसे पहले जर्नल समझने से पहले मैं आपको अकाउंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि जर्नल का जो पूरा स्ट्रक्चर बेस्ड है वो अकाउंट्स के डिफिनीशन और उनके रूल्स पे बेस्ड है, ठीक है। तो पहले अकाउंट समझ लेते हैं। तो अकाउंट्स क्या है, खाता क्या है? तो अकाउंट्स एक विवरण है, एक लेखा है, एक अभिलेख है, डॉक्यूमेंट है जिसमें किसी भी वस्तु, व्यक्ति या संस्था से संबंधित सभी लेन देनों को एक जगह पर लिखा जाता है, ठीक है। खातों को दो आधार पे बांटा गया है, ठीक है, दो आधार है, दो बेसिस पे बांटा गया है, एक जिसको हम ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं और एक मॉडर्न अप्रोच है। तो मॉडर्न अप्रोच की बात हम बाद में करेंगे, अभी हम ट्रेडिशनल अप्रोच पे आते हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से आप देख सकते हैं अकाउंट दो प्रकार के होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट और एक इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। फिर आगे इम्पर्सनल के दो अलग प्रकार हैं, एक रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। तो बहुत जगह पे जब सीधे पूछा जाता है तो आप ये भी कह सकते हैं कि अकाउंट्स तीन प्रकार के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ठीक है। इम्पर्सनल को गायब भी कर देते हैं, हटा के भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अकाउंट्स दो प्रकार के होते हैं, पर्सनल, इम्पर्सनल। फिर इम्पर्सनल के दो प्रकार है, एक है रियल और एक है नॉमिनल, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट हम किसको बोलते हैं? तो पर्सनल अकाउंट में ऐसे सभी खाते जो किसी व्यक्ति से या संस्था से संबंधित है, या व्यक्ति या संस्था के जगह पे जिन खातों का प्रयोग किया जाता है उनको हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। तो पर्सनल अकाउंट को आगे फिर से तीन भागों में डिवाइड किया गया है, तीन भागों में बांटा गया है, एक नेचुरल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल अकाउंट और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। नेचुरल अकाउंट मतलब जो भी खाते किसी व्यक्ति से संबंधित होते हैं उनको हम नेचुरल की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। जैसे राम हो गया, मोहन हो गया, सोहन हो गया, तो किसी भी लेन देन में जैसे ही ये सब नाम आएंगे तो आपको सीधे समझ जाना है कि ओके नाम आ गया तो ये पर्सनल अकाउंट है, किसी भी व्यक्ति का नाम नेचुरल पर्सनल में आता है, ठीक है। तो है तो कैटेगरी, मेन कैटेगरी पर्सनल ही है, लेकिन उसका जो आगे सब डिविजन है वो नेचुरल कैटेगरी में आता है। उसके बाद बात आती है आर्टिफिशियल की। तो आर्टिफिशियल में ऐसे खातों को रखा जाता है जो किसी संस्था से संबंधित है। आर्टिफिशियल का मतलब संस्था से संबंधित, जैसे मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज है, टाटा है, कोई भी आपका संस्था है, उन सब को हम आर्टिफिशियल वाली कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो जैसे PNB बैंक हो गया, SBI हो गया, ये सब आर्टिफिशियल कैटेगरी में आएंगे, लेकिन है पर्सनल अकाउंट। तो जब रूल लगाएंगे तो हम ओवरऑल पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा इस पे, ठीक है। रूल की बात हम आगे करेंगे, अभी बस समझ लीजिए कि है क्या क्या, ठीक है। तो मैंने आपको अभी नेचुरल अकाउंट बता दिया, आर्टिफिशियल बता दिया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो जहां पे हम किसी व्यक्ति या संस्था का नाम उपयोग नहीं कर पाते हैं तो वहां पे उनके नाम के जगह पे जिन खातों का यूज किया जाता है उनको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी व्यक्ति बिजनेस चला रहा है तो जनरली ये माना जाता है कि अपने बिजनेस में हम अपने नाम का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा इसलिए भी कह सकते हैं कि इन जनरल कोई आदमी सिंपल से अगर बातचीत भी करता है
किसी से बातचीत कर रहा है, तो हम अगर किसी से बातचीत कर रहे हैं तो हम अपने नाम के जरिए बातचीत नहीं करते। अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं बोलूंगा कि मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि नीलेश रंजन कहीं जा रहा है। तो इसीलिए आप इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि अपने नाम का उपयोग अपने ही बिजनेस में नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अब अपने नाम का यूज नहीं किया जाता तो वहां पे किसी न किसी खाते का तो यूज कीजिएगा आप, उसी खाते को पर्सनल अकाउंट में रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कहते हैं, ठीक है। जैसे कैपिटल अकाउंट को नाम की जगह पे यूज किया जाता है, ड्रॉइंग अकाउंट को नाम की जगह पे यूज किया जाता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी को नाम की जगह पे यूज किया जाता है, प्रीपेड सैलरी को नाम की जगह पे यूज किया जाता है। तो ये सब जो खाते हैं इन सब में कहीं ना कहीं से किसी व्यक्ति और संस्था का नाम जब हम उपयोग नहीं कर पाते हैं तो इन खातों का यूज किया जाता है, इसीलिए इनको प्रतिनिधि खाता बोलते हैं या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है रियल अकाउंट की। तो रियल अकाउंट में क्या आएगा, तो रियल अकाउंट में बिजनेस में उपयोग होने वाली सभी वस्तुएं एवं संपत्ति, चाहे वो मूर्त हो चाहे अमूर्त हो, उन सभी को हम रियल अकाउंट में रखते हैं। तो बिजनेस में यूज होने वाली ऐसी सभी चीजों को हम रियल अकाउंट में रखते हैं। जैसे बिजनेस में क्या क्या यूज हो सकता है, तो आप अगर किसी बिजनेस से संबंधित है तो आपको पता होगा कि बिजनेस में क्या चीजें यूज हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे मैं मान लो एक फर्नीचर के दुकान का एग्जांपल देता हूँ, तो फर्नीचर के दुकान में अगर आप लेंगे तो बेंच यूज होता है, लकड़ी है, लकड़ी यूज होता है, अगर इलेक्ट्रिक कोई प्रोडक्ट है जैसे पंखा लगा हुआ है, बल्ब है, तो इन सब चीजों को हम एसेट्स में लेते हैं। मकान है, जमीन है, ये भी एसेट्स है, कैश ये भी एसेट्स है, तो ये सारी चीज जो है रियल अकाउंट है। तो बिजनेस में यूज होने वाली कोई भी वस्तु जो है वो रियल अकाउंट है, बस इतना समझ लीजिए, चाहे वो मूर्त हो चाहे अमूर्त हो। हार्डवेयर भी रियल अकाउंट है और सॉफ्टवेयर भी रियल अकाउंट है। हार्डवेयर को हम देख सकते हैं तो इसलिए वो मूर्त है, टैंजिबल है, और सॉफ्टवेयर को हम नहीं देख सकते हैं तो इसलिए वो इनटैंजिबल है, ठीक है। तो इसीलिए इन दोनों को भी एसेट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। अब तो ये सारी चीजें रियल अकाउंट है, तो इन पे रियल अकाउंट का रूल लगेगा। अभी बस हम रूल की बात नहीं कर रहे, अभी बस समझ रहे हैं कि कौन से अकाउंट किस कैटेगरी में आएंगे, ताकि जब आगे रूल की बात हो तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो अकाउंट है वो है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का हिंदी अगर बात करें तो उसका मतलब होता है नाम मात्र खाता। पर्सनल अकाउंट का व्यक्तिगत खाता, रियल अकाउंट का वास्तविक खाता, और नॉमिनल अकाउंट का नाम मात्र खाता। तो नाम मात्र खाता का मतलब ये है कि नाम मात्र, मतलब एक्चुअल में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, किसी दूसरे चीजों, दूसरे वस्तुओं या दूसरी चीजों को हम एक नाम दे रहे हैं बस, उसको बोलते हैं नाम मात्र खाता। खर्चा, लॉस, कोई भी इस तरह की चीजें जो जिसका कोई अस्तित्व एक्चुअल में नहीं है, वास्तविक रूप से नहीं है, उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो ये सब चीजें नॉमिनल अकाउंट में आती है। जैसे रेंट पे करते हैं तो कोई भी खर्चा या इनकम जो होता है वो नाम मात्र खाते की कैटेगरी में आता है। खर्चा, इनकम, लॉस, प्रॉफिट, ये सारी चीजें नाम मात्र खाते में। तो देख लीजिए कोई भी खर्चा उठा लीजिए, जैसे रेंट है, सैलरी है, सैलरी उठा लेते हैं, सैलरी की बात करते हैं, तो आप वेतन जब देते हैं तो एक्चुअल में क्या दे रहे होते हैं, कैश दे रहे होते हैं, है ना। वेतन जब किसी को मिलता है या कोई किसी को देता है, उसी तरह रेंट जब कोई प्राप्त करता है या कोई किसी को देता है तो क्या होता है, एक्चुअल में कैश का लेन देन हो रहा होता है। एक आदमी कैश दे रहा होता है, दूसरा आदमी कैश ले रहा होता है, लेकिन हम क्या कहते हैं, तो रेंट ले रहे हैं या रेंट दे रहे हैं। तो ये क्या है, बस हमने एक नाम दे दिया, वो जो कैश दे रहे हैं उसका एक नाम अलग दे दिया, रेंट। तो इसीलिए इनको नाम मात्र खाता कहा जाता है, ठीक है। तो ये तीनों अकाउंट्स की कैटेगरी है ट्रेडिशनल अप्रोच के द्वारा, ठीक है। अब इनके रूल्स की बात करते हैं, तो रूल्स आप देख सकते हैं, पर्सनल अकाउंट का जो रूल यूज होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, मतलब पाने वाले को डेबिट में लिखते हैं और देने वाले को क्रेडिट में लिखते हैं। ये रूल्स मैं आगे आपको लिख के, जब जर्नल की हम पूरी एंट्रीज करना शुरू करेंगे, जब मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा तो अच्छे से और समझाऊंगा, अभी बस इसको थोड़ा समझ लीजिए। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी कि जब भी कोई पाने वाला व्यक्ति होगा जिसका नाम आ रहा है ट्रांजेक्शन में और उसमें वो पाने वाला है तो उसको हम डेबिट में लिखेंगे, और किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है और वो देने वाला है तो उसको हम क्रेडिट में दिखाएंगे। जैसे
राम से माल खरीदा। अब राम यहां पाने वाला है या देने वाला है, ये समझने वाली बात। तो राम से मैंने माल खरीदा है तो मैं पाने वाला हुआ, लेकिन राम देने वाला है तो राम को हम क्रेडिट में दिखाएंगे, ठीक है। उसी तरह राम को माल बेचा, तो राम को किसने माल बेचा, मैंने, तो राम को मैंने माल बेचा तो मैं देने वाला हूं, राम पाने वाला हो गया तो राम को फिर डेबिट पे दिखाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से सैलरी किसी को पे कर रहे हैं, तो वैसे तो जो रूल्स हैं वो आगे आपको पता चलेंगे अलग है, लेकिन अगर मैं अभी सीधे व्यक्ति, तो सैलरी किसी को पे कर रहा है, जैसे मोहन को सैलरी दिया तो मोहन पाने वाला है या देने वाला है, तो सैलरी उसको मिल रहा है मोहन को तो मोहन पाने वाला है, फिर डेबिट में दिखाएंगे उसको। तो आपको बस ये देखना है कि किसी भी पर्सनल अकाउंट का अगर आया है, चर्चा है, ट्रांजेक्शन में कोई भी पर्सनल अकाउंट आया है, तो उसके बारे में बस आपको यही सोचना है कि वो पाने वाला है या देने वाला है। पर्सनल अकाउंट का नाम आया तो आपको सीधे उसके बारे में यही सोचना है कि वो पाने वाला है या देने वाला है, उस हिसाब से फिर उसको हम डेबिट या क्रेडिट में लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद बात आती है रियल अकाउंट की। तो रियल अकाउंट, जितने भी रियल अकाउंट आएंगे, चाहे वो कैश हो, चाहे एसेट्स हो, चाहे स्टॉक हो, कोई भी चीज, हमको रियल अकाउंट जैसे ही आएगा तो रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब जो भी सामान आएगा वो डेबिट में और जो भी सामान जाएगा वो क्रेडिट में, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ट्रांजेक्शन में यही देखना होता है कि उसमें कौन कौन से अकाउंट है, वो ट्रांजेक्शन में ये देखना होता है कि उसमें कौन कौन से अकाउंट है। अगर पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट वाला रूल लगा के देखेंगे, अगर रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का रूल लगा कर देखेंगे, ठीक है। तो अब अगर कोई सामान आया या गया, मैंने मकान खरीदा तो मकान आया या गया, तो मेरे पास तो मकान आएगा ना, मैंने खरीदा तो मकान आया, और क्या गया होगा, अगर कैश पे किया होगा तो कैश गया होगा, अगर चेक से पे किया होगा तो बैंक से पैसा गया होगा, तो ये भी कह सकते हैं बैंक गया होगा। तो मकान आया और कैश गया, तो मकान को डेबिट में दिखाएंगे, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आएगा वो डेबिट में और जो जाएगा वो क्रेडिट, तो कैश गया तो कैश क्रेडिट, ठीक। तो कोई भी सामान, जैसे माल खरीदा, नकद माल खरीदा, ठीक है, तो गुड्स आए मेरे पास, गुड्स आए तो गुड्स को डेबिट में दिखाएंगे, और नकद खरीदा है तो पैसा गया होगा तो कैश को क्रेडिट में दिखाएंगे, है ना। उसके बाद आती है बात नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, मतलब सभी खर्च या हानि को डेबिट में दिखाएंगे तथा सभी लाभ तथा आय को क्रेडिट में दिखाएंगे। तो कोई भी खर्चा हो, जैसे सैलरी भी मैंने बताया, कंपनी के लिए सैलरी खर्चा होता है, कंपनी के लिए रेंट खर्चा होगा, कंपनी के लिए अगर ब्याज देता है तो वो भी खर्चा होगा, कंपनी अगर मजदूरी चुकाता है वो भी खर्चा होता है, कंपनी अगर भाड़ा चुकाएगा तो वो भी खर्चा होगा। तो ये सारे के सारे अगर खर्च क्वेश्चन में दिए रहेंगे तो सब के सब डेबिट में जाएंगे, ठीक है। उसी तरह अगर कोई भी इनकम दिया हुआ है, जैसे सेल हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, तो जितने भी इनकम हमको मिलेंगे वो सब के सब क्रेडिट में जाएंगे, ठीक है। कोई भी प्रॉफिट होगा तो वो भी क्रेडिट में जाएगा, कोई लॉस हो जाएगा, जैसे लॉस बाय फायर हो गया, आग से सामान जल गया तो वो डेबिट में आएगा, डिस्ट्रॉय हो गया, टूट गया, गिर गया, फूट गया, तो ये सब डेबिट में जाएंगे क्योंकि लॉस है। तो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, लॉस होंगे, वो सब डेबिट में, और जितने भी इनकम होंगे और गेन्स होंगे वो सब के सब क्रेडिट में जाएंगे। तो इस तरह से ये नॉमिनल अकाउंट्स का डिटेल, ठीक है। तो अकाउंट्स दो प्रकार के होते हैं, एक पर्सनल, दूसरा इम्पर्सनल। इम्पर्सनल के अंदर फिर दो कैटेगरी है कि रियल, एक नॉमिनल।
पर्सनल में भी तीन कैटेगरी है, लेकिन जब हम रूल की बात करते हैं ना, तो रूल की में तीन अकाउंट को लेके चलते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो रूल वाले सीन में इम्पर्सनल गायब हो जाता है, और पर्सनल के जो क्लासिफिकेशन है तीन अलग अलग, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, वो भी गायब हो जाते हैं, उनको हम ध्यान में रख के नहीं चलते हैं। ठीक है, तो अभी बस मुझे अकाउंट्स बताने थे और उसके रूल बताने थे। अब आगे हम बात करते हैं जर्नल की। तो जर्नल है क्या? ठीक है, जर्नल है क्या, हम करते कैसे हैं जर्नल, जर्नलाइज कैसे करेंगे किसी भी ट्रांजेक्शन को, और क्यों करते हैं, ये भी बात आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जर्नल क्यों करते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कोई भी ट्रांजेक्शन को याद रखने के लिए हम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो जो बड़े बिजनेस हैं उनको रिकॉर्डिंग करने का उनका तरीका सिस्टमैटिक होता है। ठीक है, और वो डेट वाइज रिकॉर्डिंग करते हैं, तो इसीलिए जर्नल में रिकॉर्डिंग की जाती है, एक तो याद रखने के हिसाब से, और एक सिस्टमैटिक तरीके से हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, तो इसीलिए जर्नल किया जाता है। अब जर्नल है क्या, ये बात आती है। तो जर्नल एक प्रारंभिक पुस्तक है। जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तिथि वार क्रम में हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, डेट वाइज। ठीक है, तो जर्नल जनरली दो वर्ड्स के मेल से बना हुआ है, एक जर्न और एक नल, JOUR और एक NL, जर्नल। ठीक है, इसका जो मीनिंग निकलता है वो सिंपल मीनिंग निकलता है, प्रत्येक दिन लेखा करना। ठीक है, एक्चुअली नल वर्ड बाद में ऐड किया हुआ है, जर्न जो है वो मेन है, उसका मतलब होता है प्रत्येक दिन, नल का मतलब सबने निकाला हुआ है लेखा करना, तो जर्नल का जो मतलब निकल जाता है वो है प्रत्येक दिन लेखा करना। ठीक है, अब प्रत्येक दिन लेखा करना है यानी कि जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे डेली वाइज, ठीक है, उनको हम उस दिन रिकॉर्ड कर लेते हैं। किस क्रम में? तो जिस क्रम में ट्रांजेक्शन हुए हैं उन क्रम में हम उसको रिकॉर्ड करते जाते हैं जर्नल। तो जर्नल सबसे पहला लेखा है, प्रारंभिक पुस्तक। ठीक है, तो विशेषताओं की अगर बात करें हम, तो जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल एक प्रारंभिक पुस्तक है। मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले अगर हम ट्रांजेक्शन को कहीं रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमैटिक तरीके से, तो वो जर्नल में करते हैं, तो इसीलिए जर्नल को हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। ठीक है, वैसे तो स्मरण वही कह सकते हैं या रद्दी कह सकते हैं, उसमें हम लिख के रख लेते हैं कि अच्छा इनको हम बाद में रिकॉर्ड कर लेंगे, तो वो एक्चुअल में सिस्टमैटिक तरीका नहीं लिखने का, वो तो बस हम इसलिए लिख रहे हैं कि ताकि बाद में उसको हम जर्नलाइज कर सकें। ठीक है, तो उसका आधार है जर्नलाइज का, वो तो इसीलिए सिस्टमैटिक तरीके से जहाँ पे हम पहली बार रिकॉर्ड करते हैं वो है जर्नल, तो इसीलिए जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है। ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है कि जर्नल के आधार पे लेजर बनाया जाता है। लेजर जो कि वही खाता भी मैंने बताया, तो लेजर आगे बनता है, वो जर्नल के आधार पर बनता है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। बस इतना समझ लीजिए जर्नल का जो अगला स्टेप है, जिसमें हम जर्नल में लिखे गए ट्रांजेक्शन को फिर क्लासीफाई करेंगे अलग अलग अकाउंट्स में, तो उसको हम बोलते हैं लेजर। तो जर्नल के आधार पे लेजर तैयार किया जाता है। ठीक है, तीसरा जो विशेषता है वो ये है कि जर्नल में जो रिकॉर्डिंग होती है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है। मतलब जिस हिसाब से ट्रांजेक्शन होंगे, जिस डेट के हिसाब से ट्रांजेक्शन होंगे, उस हिसाब से हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते जाएंगे, एज अ मतलब सीरियल नंबर डाल डाल के सब में हम रिकॉर्ड करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि जर्नल में कोई भी ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड होता है उसको दोनों पक्ष रिकॉर्ड होते हैं, डेबिट क्रेडिट करके। ठीक है, दो पक्ष होते हैं, तो आप कह सकते हैं कुछ आया होगा, कुछ गया होगा, कोई पाने वाला होगा, कोई देने वाला होगा, तो हर ट्रांजेक्शन के दो पक्ष होते हैं, तो हम दोनों पक्षों को रिकॉर्ड करते हैं, पहली बार इसी में रिकॉर्ड करते हैं दोनों पक्षों को। ठीक है, तो दोनों पक्षों को हम रिकॉर्ड करते हैं, तो ये सब हैं इसके फीचर्स ऑफ जर्नल। अब जर्नल की अगर हम फॉर्मेट की बात करें, तो उसका जो फॉर्मेट बनता है वो ये है जर्नल का फॉर्मेट। पांच कॉलम है, 1, 2, 3, 4, 5। तो पहला कॉलम जो होता है वो होता है डेट का, फिर होता है पर्टिकुलर का, फिर आता है
एल एम, फिर आता है डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। तो बिजनेस का जो नाम होता है वो ऊपर लिख दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कंपनी का नाम है रिलायंस लिमिटेड, मैंने यहाँ पे लिख दिया रिलायंस लिमिटेड और यहाँ पे लिख दिया जर्नल एंट्री। आप ये भी कर सकते हैं कि जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो पहला कॉलम हो गया डेट का, दूसरा हो गया पर्टिकुलर, तीसरा हो गया एल एफ, चौथा हो गया डेबिट अमाउंट और पांचवा हो गया क्रेडिट अमाउंट। इनको भी एक एक करके हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहला कॉलम है डेट का, डेट में हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उनका कोई ना कोई तो डेट होगा, डेट वो ट्रांजेक्शन का वो डेट हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कोई ट्रांजेक्शन हुआ 15 अप्रैल को, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अप्रैल 15th, ठीक है। उसके बाद उसी तरह 3 अप्रैल को हुआ तो अप्रैल 3rd लिखेंगे, अप्रैल 2nd को हुआ तो अप्रैल 2nd लिखेंगे, जो भी ट्रांजेक्शन का डेट होगा वो हम वहाँ लिखेंगे। और ऊपर जनरली यहाँ पे साल भी लिख दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे ऊपर पे साल लिख देंगे, जैसे मान लीजिए 2020 चल रहा है अभी, तो मैं अभी वाले साल का नहीं होता, ट्रांजेक्शन का जो डेट के हिसाब से जो साल होता है वो लिखा जाता है, ठीक है। जैसे ट्रांजेक्शन हुआ अप्रैल 2018 में, यहाँ पे 2018 लिखूंगा। अब उसमें जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, हो सकता है अप्रैल होगा, मई में होगा, तो सीधे हम फिर डेट लिखते जाएंगे, फिर बार बार साल लिखने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। तो साल ऊपर लिख दिया, नीचे डेट ट्रांजेक्शन पे। डेट लिखने के बाद जैसे मान लीजिए मैंने अभी बताया कि अप्रैल 15, यहाँ पे डेट लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे जर्नल एंट्री लिखा जाता है, जो भी डिटेल होता है जर्नल एंट्री जैसे करते हैं वो लिखा जाता है, और उसके नीचे एक नरेशन लिखा जाता है। नरेशन मतलब ट्रांजेक्शन का डिटेल लिखते हैं, पूरी लाइनिंग लिखते हैं, जिससे हमको ये समझ में आ जाए कि किस ट्रांजेक्शन के लिए ये ऊपर वाली एंट्री की गई है, ठीक है। तो इससे हमको पता चलता है कौन सा ट्रांजेक्शन था और उसका ये एंट्री है, ठीक। उसके बाद ये जो एल एफ वाला कॉलम है, एल एफ वाले कॉलम में एक्चुअली में अभी कुछ नहीं करते। पुराने समय में जब बहिया बनती थी, मतलब मोटे मोटे बुक्स बनते थे, तो जर्नल का अलग बुक होता था, लेजर का अलग बुक होता था, ट्रायल बैलेंस अलग में बनता था, तो उस सिचुएशन में एल एफ यूज होता था। क्यों यूज होता था? तो यहाँ पे हम जो भी खाते का नाम लिखेंगे, अभी जो खाता बताया मैंने उस खातों का नाम लिखा जाएगा, तो जो भी खाते लिखेंगे वो किस पेज पर बनाए गए उसका पेज नंबर एल एफ में लिखा जाता था, ठीक है। जैसे इंडेक्स जो होता है आपके किसी भी बुक्स में, पहले पेज पे इंडेक्स दिया होता है कि ये चैप्टर इस पेज से इस पेज तक है, ठीक है। उस हिसाब से वही एलएफ का काम होता था कि पेज नंबर बताना होता था कि इस ट्रांजेक्शन, ये जो अकाउंट है, ये अकाउंट जिस पेज पर बना है आगे उसका पेज नंबर लिखा जाता था एलएफ में, ठीक है। उसके बाद आता है डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। तो मैंने आपको बताया कि हर ट्रांजेक्शन के दोनों पक्ष रिकॉर्ड होंगे, एक डेबिट में होगा एक क्रेडिट में होगा, तो डेबिट वाले का अमाउंट डेबिट में आ जाएगा और क्रेडिट वाले का अमाउंट क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। जनरली दोनों अमाउंट सेम होते हैं, हमेशा दोनों साइड सेम होगा, जर्नल में अमाउंट दोनों साइड के सेम होंगे, तभी तो हमारा अकाउंट्स मैच होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितने का सामान आएगा उसके आसपास का ही सामान, उतने का ही सामान जाएगा, है ना, आसपास उतने का ही सामान जाएगा, तो इसीलिए हम लिखते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछने लगते हैं कि सर अगर जितने का सामान हमने लिया है उतने का ही सामान जाएगा तो प्रॉफिट लॉस कैसे होगा? तो प्रॉफिट लॉस बाद में निकालेंगे, वो आपको पता चलेगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, वैसे पता चल जाएगा। लेकिन इतना समझिए कि आपने 5000 का सामान खरीदा तो 5000 ही कैश दीजिएगा ना, तो इसीलिए जितने जितना का सामान आया है उतना ही जाएगा किसी न किसी फॉर्म में, ठीक है। तो इसीलिए दोनों तरफ का अमाउंट बराबर होता है, ओके। तो ये है आपका फॉर्मेट जर्नल का। अब जर्नल में हम स्टेप बाय स्टेप जर्नलाइज करते हैं, उसको समझ लेते हैं, फिर अगले क्लास अगले वीडियोस में मैं आपको जर्नल का जो प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, क्वेश्चन एक करके दिखा दूंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आज के वीडियो में मैं आपको पहले आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप बाय में चले, स्टेप वन में सबसे पहले आइडेंटिफाई द अकाउंट्स टू बी अफेक्टेड,
जिन खातों पे प्रभाव पड़ेगा उन खातों की पहचान करेंगे। जैसे कोई भी लाइन दिया हुआ है क्वेश्चन में, राम को माल बेचा, हो सकता है दो खाते हो सकता है दो से अधिक खाते आ जाए, तो हमको सब खातों को लेकर चलना है अभी। तो सबसे पहला काम है कि खातों की पहचान करेंगे, स्टेप वन। उसमें राम को माल बेचा, जैसे मैंने आपको बताया, तो राम पर्सनल अकाउंट है। अभी जैसे मैंने बताया था कि जितने भी नाम आते हैं वो सब पर्सनल अकाउंट है, चाहे व्यक्ति का नाम हो चाहे संस्था का नाम हो, सब पर्सनल अकाउंट में जाते हैं। और माल बेचा है तो आप इसको सेल लेके चलना चाहते हैं तो सेल लेके चल सकते हैं, और गुड्स लेके चलना चाहते हैं तो गुड्स लेके चलते हैं। तो गुड्स रियल अकाउंट हो जाता है, माल बेचा माल, गुड्स रियल अकाउंट हो जाता है, सोल्ड गुड्स टू राम। और सेल जो है वो हमारा इनकम है तो वो नॉमिनल अकाउंट हो जाता है, ठीक है। तो जनरली सेल और गुड्स को एज ए रिप्लेसमेंट यूज करते हैं, तो दोनों को हम लेके नहीं चलते हैं, ठीक है, या तो सेल या फिर गुड्स, तो उस हिसाब से हम ले लेंगे। तो अभी मैंने आपको बता दी तीन अकाउंट आए, उसमें जैसे राम को वेतन चुकाया, पेड सैलरी टू राम। अब पेड किया है तो कैश गया होगा, एक अकाउंट तो कैश हो गया, कैश कौन सा अकाउंट है, तो रियल अकाउंट है, क्योंकि बिजनेस में जितनी भी वस्तुओं का यूज किया जाता है, जितने भी एसेट्स का यूज किया जाता है, वो सब के सब रियल अकाउंट होते हैं, और जितने भी नाम आते हैं वो सब के सब पर्सनल अकाउंट होते हैं। तो पेड सैलरी टू राम, सैलरी दिया, सैलरी खर्चा है बिजनेस के लिए, तो उसको हम नॉमिनल में दिखाएंगे। तो हमको पता चल गया कि पेड सैलरी टू राम में तीन अकाउंट्स इफेक्ट हुए हैं, एक कैश यानी कि रियल अकाउंट, कैश लेके चलेंगे तो कैश, दूसरा सैलरी और तीसरा राम। ये तीनों अकाउंट है, राम पर्सनल अकाउंट है। उसके बाद जब पहचान कर लेंगे तो हम ये देखेंगे कि वो किस अकाउंट से, मतलब किस कैटेगरी से सब रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कैश रियल अकाउंट है, उसके बाद जो सैलरी है वो नॉमिनल अकाउंट है, और राम है वो पर्सनल अकाउंट है। तो पहला हमको करना है स्टेप वन, आइडेंटिफाई द अकाउंट्स टू बी अफेक्टेड, यानी कि उन खातों की पहचान करेंगे जो प्रभावित हो रहे हैं। फिर स्टेप टू आएगा कि वो खाते किस कैटेगरी में आते हैं ये डिसाइड करेंगे, डिटरमाइन द नेचर ऑफ अकाउंट्स, यानी कि वो अकाउंट्स किस प्रवृत्ति के हैं। पहला रियल पर्सनल नॉमिनल, इनमें से कौन सा अकाउंट है वो, ठीक है। तो इसमें हमने वो भी कर लिया, हमने डिसाइड कर लिया कि कैश रियल अकाउंट है, सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, और राम पर्सनल अकाउंट है। थर्ड हम उस पर रूल लगाएंगे, तो जो भी खाता होगा उस खाते से संबंधित रूल लगाएंगे उस पर, ठीक है। और फिर लास्ट स्टेप है जर्नलाइज करेंगे। तो थर्ड है करेंगे अप्लाई द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, एंड फोर्थ है जर्नलाइज, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि हमको ये पता करना होगा कि वो डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा, इस हिसाब से रूल लगाएंगे। तो जैसे अभी मैंने बताया कि राम को वेतन दिया, पेड सैलरी टू राम, तो इसमें तीन अकाउंट है, राम है और आपका कैश है और सैलरी है, ठीक है। तो ये तीन अकाउंट है। अब जैसे ही तीन अकाउंट आता है ना जनरली, तो हम कोशिश करते हैं, देखिए दोनों तरफ बराबर होना चाहिए अमाउंट, ठीक है। अगर दोनों तरफ अमाउंट बराबर हो गया ना, तो तीसरा अकाउंट लिखने की फिर जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। उसको हम उसी कैटेगरी में शामिल कर लेते हैं, यानी कि रिप्लेसमेंट एज यूज कर लेते हैं, हम अलग से फिर तीसरा अकाउंट भी नहीं दिखाने चाहेंगे। तो दोनों पक्षों को रिकॉर्ड किया, हमने पे क्या किया, सैलरी, ठीक, और क्या गया, कैश, किसको गया, राम को गया। तो इस सिचुएशन में हमको पहले प्रिफरेंस डिसाइड करना पड़ता है कि सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, फिर दूसरी बार किसको लिखेंगे, तब अगर स्पेस बचेगा यानी कि अमाउंट अभी भी बराबर नहीं हुआ है, तब हम कोशिश करेंगे कि तीसरे को लिखें, ठीक है। तो पहला, सबसे पहला जो जनरली प्रेफरेंस दिया जाता है वो रियल अकाउंट को, दूसरा नॉमिनल अकाउंट को, और थर्ड में सबसे अंत में पर्सनल अकाउंट को। अगर तीनों अकाउंट किसी में है तो पहले रियल और नॉमिनल को लिख लेंगे, अगर हमारे पास अमाउंट का डिफरेंस होगा तब हम पर्सनल को लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें आ गया रियल अकाउंट लिखना है हमको। तो रियल अकाउंट कौन है, कैश, राम को वेतन दिया तो कैश गया, तो कैश आया है या गया है, क्योंकि कैश रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है, मतलब रूल्स क्या है,
डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि डेबिट में उसको दिखाते हैं जो आता है और जो जाता है उसको क्रेडिट में दिखाते हैं। तो हमको ये देखना पड़ेगा कैश आया है या गया है, तो कैश यहाँ पे गया है तो इसलिए कैश तो जाएगा क्रेडिट में, एक डिसाइड हो गया। अब दूसरा है नॉमिनल अकाउंट यानी कि सैलरी, तो सैलरी कंपनी के लिए खर्चा होता है, हम पर्सनल लेवल पे तो अकाउंटिंग कर नहीं रहे, तो कंपनी के लिए सैलरी खर्चा है, सैलरी किधर जाएगा, तो रूल क्या होता है नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। तो सैलरी खर्चा है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सैलरी आ जाएगा डेबिट, तो सैलरी का भी अमाउंट सेम होगा और कैश का भी अमाउंट सेम होगा, तो दोनों तरफ का अमाउंट बराबर हो गया, तो हमको राम अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, राम अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे रूल की अगर बात करें तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर होता है, तो राम पाने वाला है इसीलिए वो डेबिट में आता है, तो उसकी जगह पे सैलरी आ गया है, तो हमको राम को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम जर्नलाइज करते हैं, ठीक। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे करेंगे और उसको हम इन अकाउंट्स और रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट से कंपेयर करके मैच कर लेंगे ताकि हमको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे के अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।